हेलो गाइस, तो कैसे हो, क्या चल रहा है। तो आपका मेरी चैनल में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम रिव्यू करने वाले 2019 की तमिल लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म थंबिका, जिसको हिंदी डब वर्जन में नाम दिया हुआ है माय ब्रदर विक्की। फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है जीतू जोसेफ ने। फिल्म के लीड रोल में देखने को मिलेंगे कार्ती, ज्योतिका और सत्यराज। माय ब्रदर विक्की यानी कि थंबी फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म में आपको एक ज्ञानमूर्ति नाम का पॉलिटिशियन दिखाया जाएगा, जिसका रोल प्ले करते नजर आएंगे सत्यराज। उनका बेटा करीबन 15 साल पहले किसी एक छोटी सी लड़ाई में घर से भागकर चला गया है और एग्जैक्ट 15 साल के बाद गोवा से एक विक्की नाम का लड़का उनके घर आया हुआ है। विक्की का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे कार्ती, जो एक चोर है और वो सत्यराज के घर में सत्यराज का बेटा बन के आया हुआ है और वहाँ से वो बड़ी रकम चुराना चाहता है। विक्की बड़ा प्लान क्रिएट करता है कि वो जल्दी कुछ ही समय में उसी घर से बड़ा अमाउंट चुरा कर वहाँ से भाग जाए, लेकिन ये सभी चीजें इतनी आसान नहीं है क्योंकि उसके सामने एक बड़ा ट्रबल है और वो ट्रबल है सत्यराज की बेटी, जिसका नाम है पार्वती, और ये रोल प्ले करते नजर आएंगी ज्योतिका। तो आखिर में ये विक्की कौन है और ज्ञानमूर्ति के घर में उसके बेटे के रूप में वो क्यों आया हुआ है, और क्या वो ज्ञानमूर्ति की बेटी यानी कि पार्वती का ट्रस्ट जीत पाएगा और उसके अलावा बाकी के फैमिली मेंबर्स का ट्रस्ट जीत पाएगा और वहां से वो पैसे चुरा पाएगा, तो यही सब बात जानने के लिए आपको ये पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी। फिल्म के डायरेक्टर यानी कि जीतू जोसेफ, जिन्होंने एक सिंपल फैमिली प्रीमाइज वाली स्टोरी चूज की थी। फिल्म की स्टोरी लाइन भी सिंपल थी, लेकिन उन्होंने स्क्रीन प्ले काफी टाइट रखा हुआ था। उनकी स्क्रीन प्ले की लिखावट में काफी दम नजर आ रही थी और फिल्म में इनफ ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलते हैं और उन्होंने वो सभी चीजें काफी बढ़िया वे में हैंडल की हुई है। और जिस तरह से जीतू जोसेफ ने कैरेक्टर एस्टेब्लिश किए हुए, सभी कैरेक्टर में डेप्थ क्रिएट की हुई है, वो टू गुड है। उन सभी चीजों में उन्होंने जिस तरह से डिटेलिंग क्रिएट की हुई है वो बढ़िया है। वो सभी डिटेलिंग को बढ़िया वे में हमारे सामने पेश करते और उन सभी चीजों में उनका एग्जीक्यूशन काफी परफेक्ट नजर आ रहा था। फिल्म के एडिटर यानी कि वीएस विनायक, उन्होंने फिल्म के साथ अच्छा काम किया हुआ है। मूवी में हमें हार्डली कोई ऐसे अननेसेसरी सीन्स ही देखने को मिलते है। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो वो टॉप नॉच पे है। जिस तरह से सिनेमेटोग्राफर ने ऊटी के लोकेशन को कैप्चर किया हुआ है और साथ ही में दूसरे लोकेशंस को जिस तरह से नेचुरल वे में हमारे सामने पेश किया हुआ है वो बढ़िया है। फिल्म के डायलॉग काफी अच्छे थे, जो फिल्म के जोनर को यानी कि एक्शन थ्रिलर को सूट कर रही थी। फिल्म के लीड एक्टर यानी कि कार्ती, वो कैदी फिल्म के बाद एक और शानदार परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए नजर आते हैं। जिस तरह से उन्होंने इस फिल्म में अपना काम दिखाया हुआ है वो गजब का है, और उनका चोर के अवतार में जो मेकओवर किया हुआ है, जिस तरह से उन्होंने अपने कैरेक्टर में एटीट्यूड दिखाया हुआ है, वो सभी चीजें सुपर्ब तरीके से उन्होंने अपने कैरेक्टर में डाली हुई है। ज्योतिका, जो सत्यराज की बेटी का रोल प्ले करते हुए नजर आती है, अपने रोल में वो काफी ब्रिलियंट नजर आ रही थी। उन्होंने अपने कैरेक्टर में काफी बढ़िया तरीके से काम किया हुआ है, वो अपने कैरेक्टर को परफेक्टली डिलीवर करती हुई नजर आती है। अब बात करते हैं सत्यराज की, वो अपने रोल के साथ फिल्म में काफी बढ़िया इम्पैक्ट क्रिएट करते हुए नजर आते हैं। उनके कैरेक्टर में काफी सेट्स देखने को मिलते है और वो सभी चीजें उन्होंने सुपर वेरिएशन के साथ हमारे सामने पेश की हुई है। फिल्म में कई ट्विस्ट देखने को मिलते है और सभी ट्विस्ट के हिसाब से उनका परफॉर्मेंस काफी शानदार नजर आता है। वो अपने परफॉर्मेंस से फिल्म में काफी बढ़िया क्रिएट करते हुए नजर आते और अपना काम सुपर्ब तरीके से स्क्रीन पे दिखाते हुए नजर आते हैं। अब बात करते हैं एक्ट्रेस सीता की, जो सत्यराज की वाइफ का रोल प्ले करते हुए नजर आती है। उन्होंने फिल्म में अच्छा काम किया हुआ है। इसके अलावा बाकी की सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो सभी ने अपना रोल बखूबी निभाया हुआ है और वो सभी अपने रोल में नेचुरल नजर आ रहे थे। इसके अलावा बात करें फिल्म के फर्स्ट हाफ की, तो फिल्म के फर्स्ट हाफ में आपको काफी बढ़िया सिचुएशनल कॉमेडी देखने को मिलेगी, जो आपको जरूर हंसाने में कामयाब रहेगी। और इसके अलावा फिल्म में जो बैकड्रॉप दिखाया हुआ है, जिस तरह से इंटरेस्टिंग ट्विस्ट फैमिली मेंबर को लेकर क्रिएट किए हुए, वो पूरी फिल्म के दौरान काफी बढ़िया वे में एग्जीक्यूट हुए और हमारे सामने बढ़िया तरीके से वो इफेक्ट करते हैं। अब बात करें फिल्म के सेकंड हाफ की, तो फर्स्ट हाफ का फिल्म का टेम्पो काफी हाई लेवल पे था, जिसकी वजह से फिल्म का फर्स्ट हाफ काफी बढ़िया वे में एग्जीक्यूट हुआ था और फिल्म का इंटरवल ब्लॉक भी शानदार तरीके से क्रिएट हुआ था, और उसी वजह से फिल्म का सेकंड हाफ बुरा ना होने के बावजूद फिल्म के फर्स्ट हाफ के सामने थोड़ा फीका पड़ता हुआ नजर आता है। लेकिन कार्ती और ज्योतिका के बीच में जितने भी सीन डाले हुए, उन दोनों के बीच में जितने भी कॉम्बिनेशन वाले सीन क्रिएट किए हुए, उन सभी में जो इमोशंस क्रिएट होता है वो बढ़िया वे में एग्जीक्यूट हुआ है और उन सभी चीजों को अच्छी तरह से हमारे सामने दिखाई हुई है और वो सभी चीजें हमें बढ़िया तरीके से टच भी करेगी।
और उसके बाद सेकंड हाफ में जहां पे प्री क्लाइमेक्स में आपको जिस तरह से सस्पेंस हमारे सामने पेश किया जाता है वो हमारे लिए काफी अनएक्सपेक्टेड होता है और वो सस्पेंस पूरी फिल्म को काफी बढ़िया तरीके से हमारे सामने डिस्क्राइब करता है। और उसके बाद फिल्म के प्री क्लाइमेक्स के बाद जिस तरह से क्लाइमेक्स को हैंडल किया हुआ है वो हमें जरूर पसंद आएगा। तो मैं 2019 की तमिल लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म तम्बी यानी कि माई ब्रदर विक्की को 3.5/5 की रेटिंग देता हूँ। कुल मिला के कहे तो माई ब्रदर विक्की यानी कि तम्बी एक इंटरेस्टिंग फैमिली थ्रिलर फिल्म है जो सभी प्रकार के ऑडियंस को बढ़िया तरीके से एंगेजिंग रखेगी। ये एक डिसेंट फिल्म है, आपको ये फिल्म जरूर पसंद आएगी। तो बस गाइज आज की रिव्यू में इतना ही था। आई होप आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। अगर हमारा ये रिव्यू पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और इसके अलावा और भी ऐसे नए साउथ इंडियन मूवी के हिंदी रिव्यू के लिए, अपकमिंग साउथ इंडियन मूवीज की न्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।